नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी गोल्डन इन्वेस्टमेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये 10 क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर होंगी और 10 जो ये टिप्स मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर आप ये सारी की सारी फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बस ध्यान रहे, इनमें जो ये इन्वेस्टमेंट टिप्स है इनमें से किसी को भी आप स्किप ना करें। सारी की सारी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आने वाले समय में करोड़पति तो ज़रूर बनी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये इन्वेस्टमेंट टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी पहली टिप से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली टिप है दोस्तों, इन्वेस्ट अर्ली। आपको शेयर मार्केट के अंदर और इन्वेस्टमेंट फील्ड के अंदर जितनी जल्दी हो सके और जितनी कम एज में हो सके उस टाइम पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, जब भी आपको इस चीज़ की नॉलेज मिले। या फिर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप अगर छोटे हैं तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन्वेस्ट करना है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो इन्वेस्टर है, एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मिस्टर ए की एज जो है 25 है और मिस्टर बी की 40। और ये मिस्टर ए जो है 5,000 पर मंथ की SIP करते हैं और मिस्टर बी 15,000 की। और हम रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करके चल रहे हैं 12% का, जो कि सबसे मिनिमम है शेयर मार्केट के अंदर। और इनकी जो रिटायरमेंट एज है, जहाँ पे मिस्टर ए की जो 25 करेंट एज चल रही है, तो उनकी रिटायरमेंट के लिए अभी हमारे पास 35 ईयर्स हैं जिसके लिए जिसमें वो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वहीं मिस्टर बी जिनकी एज अभी 40 है, उनके पास बस 20 साल बचे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखो, अगर ये 5,000 की SIP करते हैं मिस्टर ए, तो इनकी 35 सालों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 21 लाख का हमको देखने को मिलता है। वहीं मिस्टर बी अपने 20 सालों में अगर 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें तो उनकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड हमें देखने को मिल रही है वो 36 लाख। और अगर इसके हम आफ्टर 35 ईयर्स, जब ये 60 ईयर्स के हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जो मिस्टर ए की वेल्थ होगी वो 3.25 करोड़ की हो जाएगी और वहीं मिस्टर बी की 1.49 करोड़। तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे मिस्टर बी ने 3 गुना ज़्यादा SIP का अमाउंट रखा और उसका आधा इन्होंने इन्वेस्टमेंट का टाइम रखा, लगभग 20 साल रखे, और जब जाके भी इनकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ 49 लाख की होती है। वहीं मिस्टर ए जिन्होंने अपनी 25 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर दिया था और उनकी इन्वेस्टमेंट अपने रिटायरमेंट तक 3.25 करोड़ की हो जाएगी। तो ये दोस्तों एक शॉर्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको इसका बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी अगले टिप की तरफ चलते हैं। अगले टिप जो है, इन्वेस्ट इन बिजनेस यू अंडरस्टैंड। आपको उसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है जो आपको समझ आता हो। मान लो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, लक्स का सोप आता है, किसान टोमेटो केचप आता है, तो आपको पता है कि ये कैसे पैसे कमाती है, अपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करके बेच के पैसे कमाती है, तो आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वहीं मान लो कुछ बिजनेसिस ऐसे होते हैं, जैसे कि IT के अंदर हम देखने को मिलता है लेटेंट व्यू करके एक कंपनी है, आपको नहीं पता कि वो कैसे बिजनेस कर रही है, कैसे पैसा कमा रही है। अगर वो आपको नहीं समझ आ रहा है तो उन कंपनियों को आप छोड़ सकते हैं। ऐसे कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करके चलना ही है, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। जो चीज़ आपको समझ है आपने उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट कैसे करना है दोस्तों, स्पेकुलेशन नहीं करनी है, थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ये मत समझो कि आप उस कंपनी का स्टॉक्स खरीद रहे हो, आप ये समझो कि आप वो पूरी कंपनी खरीद रहे हो, उस कंपनी का कुछ हिस्सा आप खरीद रहे हो। और जब आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीदोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का हमेशा रहेगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। वहीं आप किसी का स्टॉक प्राइस देख के खरीदोगे, भी अभी 100 की है 110 पे बेच दूंगा, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक स्पेकुलेशन है दोस्तों। तो आपने इन्वेस्ट करना है और उन्हीं बिजनेस में करना है जो आपको समझ आते हो बिजनेस। आपने स्टॉक्स नहीं खरीदने, आप अपने बिजनेस खरीदे। जैसे कि आपके पेरेंट्स वगैरह ने कुछ प्लॉट्स खरीदे होंगे बहुत टाइम पे, तो उन्होंने ये थोड़ी देखा होगा कि भाई आज मैंने एक प्लॉट खरीदा 1 लाख का और 10 दिन बाद वो 1,10,000 का हो गया तो वो बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कितने टाइम रखा होगा, हो सकता है आज आप उनमें रह भी रहे हो। तो वही होता है इसके अंदर भी, आपने इन कंपनी के अंदर बाय करके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ये नहीं कि आज खरीदा 10 दिन बाद बेच दिया, 20 दिन बाद बेच दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। जो भी खरीदो अच्छी कंपनियां खरीदो और वही कंपनियां खरीदो जो आपको समझ में आती हों। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है,
अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपको जितनी जल्दी हो सके कंपाउंडिंग का मैजिक को समझना चाहिए। कंपाउंडिंग को लोग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, मतलब ये एक जादुई चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों ये होता है, मान लो आज आपने 1 लाख रुपये मार्केट में लगाए और आपको एक साल बाद 1.5% का इंटरेस्ट, 5% की उसकी वैल्यू बढ़ती हुई देखने को मिली, तो आपको एक साल में 5% का रिटर्न मिल गया। अब जो नेक्स्ट ईयर अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे तो आपको जो 5% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मिलेगा, तो आपको 1,05,000 पे मिलेगा। और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। तो मतलब जो इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो चलिए एक शॉर्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पे 8% का आपको रिटर्न मिलता है और आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो उस 1 लाख रुपये को, तो 15 साल बाद अगर आपको कंपाउंडिंग से आपके पैसे बढ़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,17,000। वहीं अगर यहाँ पे कंपाउंडिंग अपना काम ना करे तो 1,08,000 की वैल्यू हमें बस 2,20,000 रुपये देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग 1 लाख रुपये का फ़र्क हमें बस कंपाउंडिंग की वजह से ही देखने को मिलता है। तो कंपाउंडिंग को अगर आप जितना जल्दी समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट फील्ड में पैसे कमाने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है? कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस का मतलब क्या है दोस्तों? मान लो जैसे कि आपने आज कोई शेयर्स खरीदे और कल को वो मार्केट में 10% से डिस्काउंट पे हो गए, कल को वो मार्केट गिर गई, तो उस टाइम पे आपको क्या अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए हैं। स्टॉक प्राइस देखने से उसके बाद कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो मतलब जब सारे अगर इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हो मार्केट में, शेयर मार्केट बढ़े जा रही है, तो उस टाइम पे आपको फियरफुल हो जाना चाहिए। तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा डर रहना चाहिए कि मतलब इस टाइम पे मेरे को पैसे नहीं लगाने हैं। और वहीं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ठीक है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो वॉरेन बफेट जी हमें समझाते हैं। तो वही चीज़ को आपने फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट फील्ड में पैसे कमाने के लिए। और जब सब लोग अपने मार्केट में से पैसे निकाल रहे हो, शेयर मार्केट गिरे जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी देख के उस टाइम पे आपको शेयर मार्केट के अंदर एंटर करना है। इसका मतलब ये है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सारे बेच रहे हो तो उस टाइम पे आपको ग्रीडी हो जाना है, ठीक है? तो ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट की चौथी टिप। चलिए अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप क्या कहती है? ओनली इन्वेस्ट योर सरप्लस फंड्स। तो आपके जो है, आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी बची है इमरजेंसी फंड से हटके, जो भी आपके पास पैसा है आपको बस वही इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी लोन नहीं लेना है। अगर मान लो आप लोन लेते हो और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप और मान लो शेयर मार्केट उस टाइम पे डिस्काउंट में शेयर मार्केट गिरी हुई है, तो आप इन्वेस्टमेंट के पैसे कैसे पे करोगे? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, लोन के पैसे को शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लोन के पैसे को बिल्कुल दूर रखना। आपके पास जो भी सरप्लस फंड है बस उसी से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप क्या कहती है? फॉलो ए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपने क्या है, मतलब ये नहीं है कि आपने लमसम पैसे एक साथ मार्केट, मान लो आपके पास कोई प्लाट बेचा आपने, आपके पास 10 लाख रुपये हैं, तो आपने एक ही दिन में 10 लाख रुपये नहीं लगाने हैं। आप SIP वे में लगा के चलना चाहिए। या फिर आप अगर मान लो कोई जॉब करते हो, आपकी रेगुलर फिक्स्ड इनकम आती है हर महीने के एंड में, तो उसकी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 5,000-10,000 पर मंथ इन्वेस्ट हो रहे हैं, आपको टाइम नहीं करना मार्केट को, भाई अच्छा टाइम आएगा जब मैं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी इन्वेस्टर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी। तो उस टाइम पे आपको क्या है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच के हिसाब से चलना है। मान लो अगर मार्केट आपको गिरती हुई देखने को मिलती है और आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपना SIP डबल कर देनी है। जैसे ये कोरोना के टाइम पे था, एकदम से मार्केट मार्च मंथ में बहुत गिरती थी, मार्च 2020 में, तो उस टाइम पे क्या था, उस मंथ में अगर आपने अपनी SIP डबल कर दी होती या लमसम उस टाइम पे और भी लगाए होते, तो आज आपकी बहुत अच्छी वेल्थ बन चुकी होती। तो आपने भी ऐसे ही करना है, SIP जो चल रही है आपको उनको कंटिन्यू रखना है, और जब भी मार्केट डिस्काउंट में मिले तो उस टाइम पे आपको अपने SIP का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, और पर हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना है। कोई भी महीना स्किप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, गेट डाइवर्सिफाइड। आपने जो भी है अपने पैसे, मान लो 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने हैं, तो ये नहीं कि एक ही शेयर के अंदर बाय कर दें।
एक ही शेयर में बाय कर, मान लो वो शेयर अगले दिन ही 10% गिर गया, 50% गिर गया, तो आपकी वैल्यू वो आधी रह जाएगी। तो आपको क्या है, डाइवर्सीफाई करके चलनी है अपनी इन्वेस्टमेंट को। कुछ आप थोड़ा बहुत 10% गोल्ड खरीद कर रख सकते हो, आप 50% म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, 40% डायरेक्ट इक्विटी के अंदर लगा सकते हो। इक्विटी के अंदर इंडियन इक्विटी भी है, और अब तो हमारे पास और भी बाहर की इक्विटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि IND मनी के थ्रू आप US के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है जितना ज़्यादा हो सके, बट ये ध्यान रखें ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो। लगभग आप मान लो 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो इंडियन इक्विटी के अंदर, तो 25 से 30 शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हो, ये नहीं कि 100 शेयर्स आपने खरीद लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, आपको ये रिस्क से बचाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। आप कभी भी ये मत समझे कि जब अच्छा टाइम आएगा तो उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट करूँगा। कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आज क्या थी और कल आने वाले समय में क्या होगी। तो आपको SIP वे में अपना मार्केट में पैसे डालते रहना है, हर महीने थोड़े थोड़े लगाते रहो, तो उससे क्या है सबसे अच्छी वेल्थ आपकी बन के आएगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं लमसम लगा दूं आज ही, तो वो भी गलत होगा। हो सकता है अगले महीने हमें मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट में देखने को मिल जाए, 10% डिस्काउंट में। तो आपने धीरे धीरे मार्केट के अंदर पैसे लगाने, ये नहीं कि एक ही बारी में आपने सारे पैसे लगा दिए। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, डोंट चेज ए हॉट टिप। आपने भी देखा होगा जैसे TV के अंदर भी आपको कोई कोई आके फाइनेंशियल प्लानर्स कुछ एडवाइस दे के जाते हैं, आपको कई बार कॉल्स भी आती होंगी कि भाई ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो। आपको इन सबसे बच के रहना, आपने कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस पर खुद की रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टिप। तो कोई भी अगर आपको हॉट टिप दे कि भाई ये शेयर खरीद लो, ये ज़्यादातर स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद तो लो प्राइस पे जब शेयर होता है उस टाइम पे खरीद लेते हैं, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स देने लग जाते हैं कि भाई अभी आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, और मेजोरिटी स्टेक इन्होंने खुद ने बाय कर रखा होता है। और जैसे कि आप सब लोग इसमें खरीदने लग जाते हो तो उस टाइम पे शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है वो अपने ही शेयर बेच रहे होते हैं और आप लोग खरीद रहे होते हो महंगे प्राइस में। तो बेटर यही है कि आपने इन सारी इन्वेस्टमेंट टिप्स से अगर कोई आपको दे तो इनसे बच के रहना है आपने। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो है डोंट इन्वेस्ट इन पैनी स्टॉक्स। पैनी स्टॉक्स का दोस्तों कोई भी फ्यूचर नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर्स होते हैं पैनी स्टॉक्स, तो इनसे जितना ज़्यादा बच के रह सको उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। पैनी स्टॉक्स का मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई इनके फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं होते और इनके अंदर वॉल्यूम भी बहुत कम होती है। आप अगर एक बार एंटर करेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है, मान लो सर्किट्स पे चलते हैं ज़्यादातर शेयर, और इसके अंदर लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है, बहुत क्वांटिटी में ये शेयर्स होते हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों, पैनी स्टॉक से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे तो उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी सेफ रहेगी। तो ये थी दोस्तों 10 टिप्स जो मैंने आपको बताई है। अगर आप ये सारी की सारी फॉलो करते हैं तो आपकी वेल्थ बननी शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से। तो दोस्तों आपने ये 10 टिप्स जो मैंने बताई आप सारी ये अपने लिख के रख लीजिए अपने किसी डायरी में, और डेली इसको रीड करिए इन्वेस्टमेंट के अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। अगर कोई भी आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं तो एक बार ये जो 10 रूल्स हैं इनको एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू।